रोशन चेहरा आंखों को बहुत भला महसूस होता है, लेकिन ऐसा रोशन चेहरा हर किसी का नहीं होता। लोग ऐसा रूप हासिल करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फायदा बहुत कम नजर आता है। अल्लाह ताला ने कुदरती चीजों में जो खसूसियात रखी हैं, वो मस्नूई चीजों में नहीं। आज मैं आपको बेहतरीन कुदरती इंग्रेडिएंट से हसीन निखार हासिल करने का उम्दा टोटका बताऊं। इस टोटके से आपके चेहरे पर बेमिसाल चमक आ जाएगी, आपका रंग भी बहुत गोरा होगा और आपका चेहरा ऐसे फील होगा जैसे लाइट की तरह चमक रहा है। इससे पहले कि मैं आपको आज के इस टोटके के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, पीछे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सके। और इस टोटके में जो अज़ा इस्तेमाल होंगे उनमें शामिल है दूध खालिस की खाने का चम्मच और नींबू का रस 3 कदम। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि रात को सोते वक्त 1 चम्मच खालिस दूध में नींबू का रस आप मिला लें, दूध फट जाएगा। अब इस दूध को आप अपने चेहरे, गर्दन और हाथों पर मलें और सो जाएं। सुबह उठकर किसी अच्छे सोप या फेस वॉश से आप अपनी स्किन धो लें। दूध में ऐसे विटामिन्स मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत और स्किन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें प्रोटीन की भी बहुत बड़ी मिकदार होती है जो हमें खूबसूरती देती है। लेमन में सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स बहुत कसीर मिकदार में होते हैं। इसके रस, छिलके, बीज, हर चीज में बेपनाह गिजाइत मौजूद होती है। इसमें कुदरती ब्लीचिंग इफेक्ट भी होता है जो हमारी जिल्द की रंगत निखारने में मदद करता है। रंगत कोरी करने का ये मेरा अपना आजमूदा नुस्खा है। अगर आपके चेहरे पर किसी किस्म के दाग धब्बे हैं, तो ये अमेजिंग टोटका इनको साफ करके स्किन को शफाफ बनाएगा और रंगत शर्तिया गोरी करेगा। लेकिन अगर आपके चेहरे पर ज्यादा एक्ने या जख्म हो तो इसको इस्तेमाल ना करें। ये नुस्खा एक ब्लीच क्रीम के जैसे वर्क करेगा, रंगत को बिल्कुल निखार देगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये आज की उम्दा वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच